हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान ब्यूटी टिप्स एंड होम। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि बेकार खाली बोतल से आप खूबसूरत फ्लावर पॉट कैसे बनाएं और टिश्यू पेपर से आप इस तरीके का खूबसूरत फ्लावर स्टिक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो ये मेरे पास खाली बेकार बोतल है और सामान आपको एक कैंची चाहिए और लैसेस कुछ और ऊन और एक फेविकोल और ये कुछ शीशे हैं मेरे पास गोल में और कटे हुए और ये वाइट स्टोन है मेरे पास। तो इस तरीके से मैं ये फेविकोल पूरे बोतल पे लगा दूंगी ताकि जब हम इस पे ऊन लगाए तो वो एकदम चिपक जाए और हम कभी से धो भी सकते हैं। जैसे फ्लावर पॉट गंदा हो जाता है तो धो सकते हैं। तो इसे लपेट देना इस तरीके से। तो ये मैंने लपेट लिया, आप देख सकते हैं। और एक बार फेविकोल लगा के इस तरीके से ये लेस है, ये मैं लगा दूंगी ऊपर इस तरीके से। थोड़ी देर हाथ से प्रेस कर देना है ताकि जो लेस जो हमने लगाया वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसी तरीके से नीचे भी मैं लगा दूंगी बोतल के लेस। लगाने से काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा फ्लावर पॉट का। तो ये लगा लिया है मैंने और ये जो शीशे हैं मेरे पास ये भी इस तरीके से फेविकोल लगा देना इस पे। और तो इस तरीके से लगाते जाना है। जब ये शीशे एकदम सेट हो जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। और आप इसे जब गंदा हो जाए तो अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं। ज़्यादा रगड़ के वॉश नहीं करना है, सिर्फ हल्के से सर्फ के पानी में भिगो देना और ब्रश वगैरह नहीं मारना है, हाथ से ही साफ़ हो जाएगा ये। तो ये मैंने लगा लिया है, अब ये गुल वाले भी लगा दूंगी शीशे इस तरीके से। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अब मैं ये वाइट वाले स्टोन जो है इस तरीके से लगा लूँगी। ये
इसी तरीके से मैं ये जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, इसमें भी लगा दूंगी व्हाइट वाले स्टोन। और देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक लग रहा है फ्लावर पॉट का। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए बेकार खाली बोतल से। तो अब मैं बनाऊंगी फ्लावर स्टिक। तो उसके लिए मैंने लिए हैं कुछ 5 से 6 झाड़ू के सीके, सीक वाले झाड़ू के सीक लिए हैं मैंने। और इसे मैं ग्रीन कलर के धागे से इस तरीके से लपेट दूंगी। जितना मुझे इसकी हाइट रखनी है उतनी रखूंगी और फालतू की जो लकड़ी है वो मैं काट दूंगी सीक, और ऊपर से भी इस तरीके से काट दूंगी। तो ये स्टिक रेडी है हमारा, और बाकी के स्टिक भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये सारी ये मैंने 5 करी हैं, आप चाहे तो 6, 7, 8, 10 भी कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा स्टिक करेंगे वो उतना ही अच्छा फ्लावर स्टिक बनेगा। तो आप जितना भी बनाना चाहती हैं बना सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ टिशू पेपर के कुछ फ्लावर, देख सकते हैं आप इस तरीके से। और ये मैं कुछ कलर कर दूंगी, सारे कलर कर देना, ये मेरे पास वाटर कलर है। तो ये सारे मैंने डंडियों पे कलर कर लिए हैं ग्रीन कलर के। और ऊपर मैं ये पिंक कलर लगा रही हूँ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ये रफ तरीके से कलर करना है, एकदम उसको बिल्कुल ही कलर नहीं कर देना है पूरे, तो उसे हल्का हल्का सा कलर करना है सारे कलर। इस तरीके से तो ये सारे मैंने कलर कर लिए हैं। और फ्रेंड्स मेरे पास सुखाने का ज़्यादा टाइम नहीं था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो आप जब भी ऐसा करें तो कलर को ज़रूर सुखाएं, तो और भी प्यारा लगेगा। तो और इस तरीके से ग्रीन धागे से आपको लपेट देना है फ्लावर्स को। ये गीले कलर की वजह से मेरे हाथ भी ख़राब हो चुके हैं, तो आप ऐसा ना करें, आप फ्लावर्स को ज़रूर सुखाएं। और कलर जब सूख जाएगा तो और भी प्यारा फ्लावर स्टिक का जो फ्लावर है कलर और भी अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से मैंने ये वाइट फ्लावर भी कर लिए हैं, सिर्फ इसकी डंडियां ही ग्रीन करी हैं, और ये मोगरे जैसा फ्लावर लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टिक भी। तो आपकी मर्जी, कलर भी कर सकते हैं या फिर वाइट में भी रख सकते हैं, सिर्फ उसकी डंडी ही ग्रीन करे और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए रेडी है। और फ्रेंड्स आई होप आपको ये फ्लावर पॉट और फ्लावर स्टिक की वीडियो अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और फ्रेंड्स इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।